नमस्ते कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपका तह दिल से स्वागत दोस्तों पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने सीता गुप्ता जी की कविता सुनी थी वंदे मातरम दरअसल भारत भूमि को हम वंदे मातरम कहते हैं लेकिन धरती की जो हर एक माँ है वो भारत के लिए वंदनीय है सीता जी ने इसमें हर एक माँ का माँ का महत्व जो है हर एक माँ का सम्मान किया है हर एक माँ को वंदन किया है दरअसल माँ का श्रेष्ठत्व इतना है माँ का बड़प्पन इतना है कि माँ को खुद भगवान ने भी सम्मानित किया है माँ का गौरव तो भगवान ने भी किया है जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा जा जाने लगते हैं अक्रिर उन्हें लेने के लिए आता है तो यशोदा मैया कहती है अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा ये अक्रूर नहीं ये तो क्रूर है ऐसा वो कहती है और वो कृष्ण को कहती है तू यहाँ से जा रहा है सब यादें लेके जाना सब मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादें यहाँ से लेके जाना सिर्फ एक बात भूलना मैंने तुझे बांध के रखा कभी खाने नहीं दिया तू इतनी शरारतें करता था तो मुझे ये सब करना पड़ा तुझे बांध के रखना पड़ा कभी कभार तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया डांटा होगा मारा होगा तो ये सब भूल जाना तो कृष्ण ने कहा कि ये सब तो मुझे ज़्यादा याद आएगा क्योंकि दुनिया को शासन देने वाला मैं और मेरे कान पकड़ने वाली तू भगवान ने माँ को ये अधिकार उसकी विशेषताओं की वजह से तो दिया तो हर एक माँ हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है तो बातचीत करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं सीता गुप्ता जी के साथ और सुनते हैं उनकी कविता वंदे मातरम उस कविता के आगे के छंद नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका तहे दिल से स्वागत इस कार्यक्रम में कवि और उसकी कृति <laughs> हम भी आपके आभारी हैं दर्शकों आपके भी आभारी हैं सभी माओं को मेरा सलाम क्या बात है ये जो आपकी कविता है उसके आगे के छंद इतने सुंदर है आपने कहा है वो धरती है जिस पर खड़े तुमको आकाश छूने का गुण सिखाती है माँ वो धरती है जिस पर खड़े तुमको आकाश छूने का गुण सिखाती है जल सी शीतलता देकर मन की तपन जलन बुझाती है सूरज की तरह स्वयं दिन भर जलती सूरज की तरह स्वयं दिन भर जलती रोशनी दिखलाती है कभी चांदनी बनकर रात भर जागती सपने दिखाती है तुम्हें लोरिया देकर तुम्हें लोरिया दे देकर सुलाती खुद अपनी नींद भी उसी में पाती है क्या खूब लिखा है वो धरती है माँ को अपने धरती कहा क्या भाव है आपका सुनाइए ना हम वसुधा को धरती माता कहते हैं जी जी वसुधा धरती को माता कहते हैं जी सबसे पहले तो मुझे चंद्र जी का ये गीत इतना प्रिय था वंदे मातरम वंदे मातरम और आप भी देखिए भी जब भी भारत माता लिखा होगा तो भारत के चित्र के आगे माँ बनाई होगी जिसके हाथ में तिरंगा झंडा है हाँ। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हम भारत माता कहते हैं मधुरा जी ने सही कहा लेकिन माता का स्थान सबसे ऊपर भी भारत में ही माना जाता है जी। सभी देवी देवताओं माता पिता को पहले उनसे लिया गया है कृष्ण को याद करे तो यशोदा को कोई भूल सकता है <laughs> राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो मार्ग किसने सिखाया माँ कौशल्या ने ना जी, जी। सही बात है सही बात है और इसमें आपने धरती को हम माता कहते हैं लेकिन माँ को आपने धरती कहा ये बात तो बहुत ही खूबसूरत है मैंने लिखा वो धरती है जिस पर खड़े होकर तुमको आकाश छूने का गुण सिखाती है आप देखिए वृक्ष भी आकाश छू रहे हैं जी पहाड़ भी आकाश छू रहे हैं और आजकल की जो इमारतें हैं वो भी आकाश छू रही हैं लेकिन अगर नीचे धरती ना होती तो पहाड़ किस पर खड़े होते क्या बात है और वृक्ष के नीचे धरती ना होती किस पर खड़े होते बहुत खूब जो वृक्ष की जड़ें धरती के अंदर जितनी गहरी गई होती हैं वही वृक्ष आंधियों में भी खड़ा रहता है सही है और आजकल की इमारतें वो बीस मंजिल हो पचास मंजिल हो या अमेरिका की तरह एक सौ आठ मंजिल हो अभी जो दुबई में बुर्ज खलीफा बन गया है एक सौ पैंतीस मंजिल तक हो कहा पर खड़ा है धरती धरती पर।, पर खड़ा है तो ये धरती की ताकत है वो पहाड़ों को भी अपनी गोद में रख सकती है वो पेड़ों को भी अपनी गोद में पनाह दे सकती है फल फूल सकती है उसकी जड़ें कहीं तक भी जाकर धरती माँ के गर्भ में चुबे लेकिन माँ को से कोई दर्द नहीं होता क्या वो फिर भी सींचती रहती है उनको क्या बार? और ये इमारतें जिसमें एक एक में जाने कितने व्यक्ति रहते हैं, सारा बोझ कौन उठाता है माँ तो उठाती। क्या बात है मतलब इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उस बड़प्पन का जड़ माँ है आपने बहुत खूब लिखा है और जल सी शीतलता देकर मन की तपन जलन बुझाती है इसमें क्या भाव है जल सी शीतलता देकर मन की तपन बुझाती है सूरज की तरह स्वयं दिन भर जलती है रोशनी दिखलाती है जलती किस लिए है रोशनी दिखना दिखलाने के लिए जल से शीतलता देखा आप बताइए हम यमुना को मैया कहते हैं जी। गंगा को मैया कहते हैं जी, जी। सारी तृप्ति कहा से मिलती है <laughs> चाहे गंगा के किनारे रहिए या किसी शहर में रहिए प्यास मिटाने को तो जल चाहिए तो नदियों को माँ किसने बताया जैसे ही नदी हमारे पानी से हमको सींचती है माँ भी तो अपना दूध पिलाकर आपको सींच कर बड़ा किए है।, है तो माँ का दूध उस गंगा जल से कम है क्या क्या बात है क्या बात है बहुत बड़ा कहा आपने बहुत बड़ा कहा और आगे आपने चांदनी भी कहा है माँ को <laughs> अब थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने पांचों तत्व ले लिए इसमें अच्छा आप देखिए ध्यान से देखिए देखिए दर्शकों मैं आपको भी सुनाती हूँ वो धरती है जिस पर खड़े तुमको आकाश छूने का मर्म सिखाती है जलसी शीतलता देकर मन की तपन जला बुझाती है धरती आ गई आकाश आ गया जल आ गया सूरज की तरह स्वयं दिन भर जलती रोशनी दिखलाती है सूरज भी आ गया क्या बात है कभी चांदनी बनकर रात भर जागती सपने दिखाती है कितना सुंदर धरती के ऊपर सब खड़े हैं अभी हमने विवेचना की जल सी शीतलता देकर नदियां बनकर वो जल भी तो दे रही है आपको जैसे माँ अपना रक्त दूध के रूप में देकर आपके प्रत्येक अंग को सींचती है नदियाँ भी तो हमारे प्रत्येक अंग को सींच रही है ना हमें अगर अनाज चाहिए तो नदी का पानी चाहिए वाह हमें अगर स्वच्छ होना है तो नदी का पानी चाहिए सही हमें अगर भोजन बनाना है तो नदी, नदी, का, नदी का, पानी का पानी चाहिए सही है कपड़े बुनाई करना है उसमें भी नदी का पानी चाहिए सही कहा बिना पानी सब सून रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन जी पानी को जीवन भी कहा जाता है तो माँ जीवन है माँ जीवन है सूरज की तरह स्वयं दिन भर जलती रोशनी दिखलाती है सूरज जब उगता है कल भी हमने बात की थी तब लाल रंग का होता है तब उसमें ओझ और तेज नहीं होता शीतल होता है सुनहरी होता है लेकिन जो जो जय ऊपर चढ़ता जाता है उसका प्रकाश बढ़ता जाता है तो आप ही तो मानते हैं विज्ञान के उसे कि सूरज आग का गोला है तो जो आग का है? गोला पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है स्वयं भी तो जलता है क्या बात है माँ आपको सींचने के लिए अपने परिवार को पालने के लिए अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए क्या स्वयं दिन भर मेहनत की चक्की में जलती नहीं है कितना सुंदर आपने कहा आपने जो कहा कि सूरज तब वो उसमें वो तपन जलन नहीं होती है जब वो उगता है मुझे वो बात याद आई आई कि संत ज्ञानेश्वर जी ने पसायदान लिखा और उसमें उन्होंने पूरे विश्व के लिए शांति और शक्ति मांगी आ, मांगी भगवान से और उसमें उन्होंने ऐसा कहा है एक शब्द उन्होंने ऐसा लिया है कि मारतंड जे तापहीन यानी तापहीन वो मारतंड है वो सूर्य है वैसी ही माँ है भगवान की तरह वो एक भगवान को उन्होंने तापहीन मारतंड कहा है यानी ऐसा एक सूर्य जिसमें कोई ताप नहीं है उसमें जिसमें कोई दाह नहीं है वैसी ही माँ है वो भगवान में ने भेजा हुआ एक सुंदर हम उसे देवता कह सकते हैं माँ को देवता तो हम कहते ही हैं हमारी संस्कृति तो ऐसी एक सुंदर रचना है भगवान की और इसमें आपने इतने सुंदर भाव प्रकट किए हैं आपने बाद में चांदनी का उल्लेख किया है उसके बारे में भी बता दीजिए ना दिन भर धूप से जलने के बाद रात को क्या अच्छा लगता है चांदनी।, चांदनी चांदनी जब आपके शरीर को चांदनी में ठंडी ठंडी हवा से लाती है तो कितनी सुंदर नींद आती है सही है सही, सही पूर्णमासी है।, है आप सब भी चांद को देखेंगे कितनी ज्योत्सना बिखरी है आकाश में लगता है पूरा आकाश चांदी से नहाया हुआ है क्या बात है तो उसी को मैंने लिखा कभी चांदनी बनकर रात भर जागती सपने दिखाती है जैसे दिन भर सूरज को तपन से जलना पड़ा चांदनी बिखरने के लिए चंद्रमा को भी तो रात भर जागना पड़ा है क्या बात है बहुत खूब अगर चंद्रमा बादल के पीछे छुप के सो जाए तो आपको चांदनी मिलेगी सही है उसी को मैंने कहा कि खुद जागती है और आपके सपनों आपकी नींद में ही अपनी नींद पा जाती है क्या बात है चंद्रमा रात भर जागता है तभी तो हमको चांदनी मिलती है कितना तो माँ भी रात भर जागती है बच्चे को सुलाने के लिए क्या बात है तो उसी को मैंने कहा कभी चांदनी बनकर रात भर जागती सपने दिखाती है नींद में जाते हैं तो सपने देखते हैं तो चांदनी बनकर रात भर जागती रहती है ताकि आप मीठी नींद में सोइए और सुंदर सपने देखिए जीवन की ऊंचाइयों के उसी को मैंने बोला तुम्हें लोरिया दे देकर सुलाती खुद अपनी नींद भी उसी में पाती है ये बहुत बड़ी बात है खुद अपनी नींद उसी में पाना यानी क्या थोड़ा सा अपने बचपन में जाइए हाँ। जब माँ सोन, जब आप सो नहीं पाते थे तो माँ क्या करती थी कितने गीत सुनाती थी कितनी लोरिया सुनाती थी जी, सही बात है तो अपनी नींद भी तो उसी में पूरी कर लेती थी उसको तो, तो अगले दिन उठ के कार्य करने ही है ना बच्चे तो भल सोए हैं जी और दूसरा भाव इसमें ये है दर्शकों आप भी सहमत होंगे दूसरा भाव ये है बच्चा जब छोटा होता है अगर बिस्तर गीला कर दे तो उस गीले में खुश सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है <laughs> तो अपनी नींद भी अब बताइए गीले बिस्तर में माँ को नींद आती है क्या लेकिन वो अपनी नींद भी बच्चे के सोए हुए सुंदर सलोने चेहरे को देखकर पा लेती है <laughs> मुझे ऐसा लगता है जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो उसमें वो मातृत्व भाव आ जाता है क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखें तो ऐसे गीले बिस्तर पर सोना हम पसंद नहीं करेंगे ऐसे गंदे बिस्तर पर लेकिन जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वो उसमें भी सुख महसूस करती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसी को तो मैंने भाव ऐसे लिया ना तुम्हें लोरियां दे देकर सुलाती खुद अपनी नींद भी उसी में पाती है हाँ। लोरी गाकर बच्चे को सुलाती रहती है गीला सूखा माँ नहीं देखती गीले में खुश हो जाती है क्या बात है और मान लीजिए बच्चा बीमार है अगर बार बार जागता है बार बार सोता है तब भी माँ रात भर अगर जागी भी तो सुबह से फिर अपने कार्य में लग जाती है अपनी नींद उसी में पा लेना <laughs> क्या बात है बहुत ही बढ़िया लिखा और आपने आगे कहा है माँ के प्रेम का नहीं है कोई हिसाब ना कीमत ना कोई जवाब यही बनाती है राम कृष्ण गौतम गांधी गोखले पटेल और कलाम वो तरवर बनकर छाया देती वो तरुवर बनकर छाया देती दिन रात सुबह दोपहर शाम सारे जग की माताओं को अनगिनत वंदन और मेरा सलाम वंदे मातरम माँ तुम्हें प्रणाम ये आपने सच कहा है कि कोई हिसाब या कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं हम माता का कोई ऐसा हिसाब कीमत नहीं चुका सकते हैं ये जो एक माँ के अंदर की शक्ति है इसके बारे में आप क्या कहोगे तभी तो अवतारों को आने के लिए भी माँ के पास आना पड़ा जन्म लेने के लिए जी। भले वो राम हो कृष्ण हो हनुमान हो सही पालना तो सबको माँ ने ही दी है जी, जी। तो माँ अवतारों को भी तो स्वतः आने का सुख नहीं मिला ना स्वतः आने की शक्ति उनमें भी नहीं थी उनको भी माँ ने पाले पोस कर और आगे आपने इसके बारे में लिखा है राम कृष्ण गौतम गांधी गोखले पटेल वही बनाती है इसके बारे में बताइए ना हां मां के प्रेम का नहीं है कोई हिसाब ना कीमत ना कोई जवाब जी जी ये लाइन मैंने ऐसे लिखी मेरे आजकल के जो बच्चे हैं कई बार मां-बाप से हिसाब-किताब करते रहते हैं ना जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहेंगे देखो कितना खर्च इन पे हो रहा है दिन भर बैठे रहते हैं कई बार सब बच्चों के लिए मैं ऐसा नहीं कहती लेकिन कई बार ऐसा होता है तो माँ के प्रे एक बार ऐसे ही किसी ने माँ से कहा तो माँ ने एक पर्चा बना के दे दिया इतने साल मैंने तुम्हारा नर्स वाला काम किया उसका इतना बिल है रोज मैंने तुम्हारा भोजन पकाने का इतना कार्य किया उसका इतना बिल है रोज मैंने तुम्हारे कपड़े धुलाई करने का धोबी का इतना काम किया उसका इतना बिल है रोज मैंने तुम्हें दूध पिलाने के लिए इतना अपना खून दिया उसका इतना बिल है रोज रात को तुम्हें सुलाने के लिए इतने गीत गाए उसका इतना बिल है बच्चे ने देखा हर एक के आगे जीरो 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 लिखा हुआ था तो उसने पूछा मां आपने हर बार बिल शब्द का उपयोग किया है और लिखा है जीरो <laughs> तो मां ने पूछा जीरो इसलिए लिखा है कि माँ के ऋण तुम चुका नहीं सकोगे क्या बात है बढ़िया क्या वो मेरी रातों की नींद तुम दे सकते हो जब तुम्हें सुलाने के लिए मैं जागी थी क्या तुम वो मेरे को दे सकते हो मेरा यौवन जब तुम्हें चलाने के लिए मैं भागी थी जब तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने अपनी शिक्षा छोड़ी थी दे सकते हो इसलिए मैंने जीरो, जीरो, जीरो लिखा है। ये सब तो है, हमें जन्म देने के लिए कितनी वेदनाएं सहन करती है कितनी कितना वो दुख उठाती है कितना दर्द वो महसूस करती है कितना दर्द सह लेती है वो भी तो हम नहीं चुका सकते हैं उसीलिए उस माँ ने हर एक के आगे जीरो जीरो लिखा था बिल शब्द भी उसने अपने बच्चे को जगाने के लिए लिखा था जिसने कहा था आप ऐसे ही बैठे रहते हो आपके ऊपर इतना खर्च है इतना खर्च है यही बनाती है राम कृष्ण गौतम गांधी गोखले पटेल और कलाम मित्रों इस बात से तो आप भी सहमत होंगे ये राम हो या कृष्ण उनको बनाने वाली माँ कौशल्या ने अगर विमाता की आज्ञा को मानना भी इतना ना सिखाया होता तो राम बनते क्या पिता की आज्ञा मानकर चले जाते वरदान तो दशरथ जी ने के को दिए थे राम तो कह सकते थे मुझे क्या मालूम आपको क्या वरदान दिया जी जी लेकिन राम ने आज्ञा मानी माँ की उनके लिए दशरथ के लिए उनके लिए कौशल्या हो या केकई हो या सुमित्रा हो सब माँ ही थी क्या बात और से आकर भी अगर आपने रामायण पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो सुनी होगी सबसे पहले वो माँ केकई के घर में गए हैं उसके बाद कौशला माता से मिलने गए हैं जब उन्हें ये समाचार मिला कि माँ केकई बहुत दुखी है अपने कृत्य के ऊपर जी जी और वही बनाती है राम कृष्ण गौतम गांधी गांधी जी की मिसाल तो हमने दो-तीन दिन पहले ली थी गोखले पटेल और कलाम क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पटेल जी नहीं होते तो भारत का स्वरूप आज ये होता सैकड़ों रियासतों को गठन कर एक सुदृढ़ भारत बनाने का काम पटेल जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था जी जी वही बनाती है गांधी गोखले पटेल और कलाम और हमारे कलाम राष्ट्रपति जी को कोई भूल सकता है बताइए दर्शकों आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा है ना साइंस में भारत ने जो तरक्की की है उसका रास्ता कलाम जी ने शुरू किया था उसका सपना कलाम जी ने देखा था क्या बात है और थोड़े दिन पहले किसी समाचार में आया था कि कलाम जी की सारी पूंजी कितनी थी उससे ज़्यादा आज एक साधारण आदमी की तो कितना त्याग था उनका देश के प्रति और कितना प्रेम था ऐसे कौन बनाता है माँ ही तो रचती है ये रचनाए सही बात है सही बात है। किसी भी आप अवतार को देख लीजिए किसी भी बहादुर को देख लीजिए किसी भी वीरांगना को देख लीजिए किसी भी वीर को देख लीजिए चाहे वो पोरस हो चाहे वो महाराणा प्रताप हो शिवाजी हो सभी के पीछे माँ खड़ी है उनको बनाने बात, के लिए बिल्कुल बा, सही बात है सारे जग की माताओं को अनगिनत वंदन और मेरा सलाम वो तरवर बनकर छाया देती दिन रात सुबह तो पर शाम तरवर वृक्ष तो वृक्ष की छाया दिन भर आपको शांति देती है शीतलता देती है और रात को भी वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं सही बात है एक किसी कवि की दो लाइन मुझे इस समय याद आ गई पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में कुछ लोग पेड़ काटने आए थे कुछ लोग मेरे गांव में अभी धूप बहुत है कहकर बैठे हैं पेड़ की छांव में वाह अभी धूप बहुत है कहकर बैठे हैं पेड़ की छांव में तो माँ भी तो वही है सही बात है पेड़ काटने जो आए थे उसी की छाया में तो बैठे हैं अभी धूप बहुत है तो धूप कौन सी होती है कष्टों की धूप हो सकती है धनहीनता की धूप हो सकती है शरीर के रोग की धूप हो सकती है किसी भी संसार के क्षेत्र में विफलता की धूप हो सकती है सही बात है पूरा प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती वो हताशा की धूप हो सकती है निराशा की धूप हो सकती है उन सब में आपका संबल माँ ही तो होती है सही बात है सही बात तो आपको सहारा देती है जैसे पेड़ थके हुए पतिक को अपनी ठंडी हवा से सुला देता है सही बात है कुछ पल के लिए ही सही पथिक भूल तो जाता है तो जी था काम? जी सीता जी आपने सही कहा अभी आपने रामायण का उल्लेख किया था कई माता का उल्लेख किया था भरत जी भी राम जी को मिलने जब गए थे वहाँ पे वनवास में तो राम जी ने कहा था भरत जाते वक्त भरत जी को कहा था मेरे तीनों माताओं का ख्याल रखना और ख़ास करके मेरे कैकई माता का तू अच्छे से ख्याल रखना उसके ऊपर उठना नहीं ये राम जी ने भरत जी से कहा था राम जी ने भरत को कहा था लेकिन आज हम देखते हैं वो माता का सम्मान जो राम जी के नज़र में था वो कहीं खोते हुए नजर आ रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे या फिर हम माँ के साथ उ... ऐसी बातें नहीं करते हैं जितने पहले के जमाने में लोग सम्मान देके बात करते थे वैसी बातें नहीं करते थे आजकल कर के बच्चे में देखती हूँ तुझे तो कुछ समझता नहीं आता ही नहीं तू क्या मुझे सिखाएगी इस तरीके से बातें करते ऐसा जमाना आया है तो आप क्या कहेगी जमाने को हम ही तो लाए हैं सब मिलकर जी जी तो हम ही उसे थोड़ा सुधार सकते हैं ना बच्चों को संस्कार देने वाले माता पिता गुरु शिक्षक सब उनको थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं जी, जी। उस... ये बात कई बार आ चुकी कि मीडिया का भी इसमें बहुत योगदान है तो मीडिया वाले भी अच्छी-अच्छी चीजें दिखाए टीवी के अंदर या अखबार के अंदर या जो भी और साधन है जी जी सही बात है स्कूलों और... में अध्यापक भी उनको सिखाएं बिल्कुल सही बात है लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि आजकल की माँ क्या उतना वक्त दे पाती है बच्चों को क्योंकि उनका भी करियर रहता है और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं उतने संस्कार वो नहीं दे पाती है बच्चों को इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हाँ, आजकल की माताएं जो बाहर कार्य करती हैं उनके पास जिम्मेदारी होती है घर हाँ। की भी होती है बाहर की भी होती है। जी हाँ उसमें भी काफी माता बैलेंस बिठा लेती हैं कोई कोई संतुलन नहीं बैठा पाती हैं जी जी सही है तो उसमें और लोग भी तो योगदान कर सकते हैं घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपने अनुभवों से सिखा सकते हैं जी जी स्कूल में जो अध्यापिका है वो अपने अनुभव से सुखा सिखा सकती है जी। और माता के साथ पिता भी उसमें योगदान दे सकते हैं उनके पास भी तो असीम अनुभव है आखिर वो भी तो क्षेत्र में है तो घर में अगर माँ के लिए चुनौतियाँ हैं तो मैं ये नहीं कहती दर्शकों की पिता के लिए व्यवहार में और व्यापार में कोई चुनौती नहीं है उनके पास भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं तो माता पिता दोनों को ही देख बालक सीखते हैं पिता से व्यवहार माँ से संस्कार ये तो कहावत है दोनों से ही सीखते जी मैं माता के साथ पिताओं को भी वंदन करती हूँ माता पिता दोनों से ही मेरा अर्थ है इसीलिए वंदे मात सारे जग की माताओं को मेरा सलाम वंदे मातरम माँ तुझे प्रणाम और वंदे मातरम में मेरी भारत माता भी आ गई सारे संसार की माताएं भी आ गई माता चाहे किसी देश की हो दर्शकों प्रसव की पीड़ा तो उसको उतनी ही होती है हाँ पालने की जो मेहनत है वो किसी देश में परिस्थिति के अनुसार धन के अनुसार वातावरण के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन माता प्रथम शाला है ये तो सभी जगह माना जाता है और किसी ना किसी रूप में सारी जगह माना भी जाता है क्या ईसा जी के साथ मदर मरियम की उतनी ज़्यादा पूजा नहीं होती हर एक चर्च में आप देखते हैं ईसा जी के साथ ईसा मसीह जी के साथ मरियम की भी पूजा होती है जी, सही है, जी बिल्कुल सही कहा आपने बुद्ध को जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या माँ को भूल जाते हैं महावीर स्वामी को जब प्रणाम करते हैं तो उनकी माता का नाम भी तो अमर है गांधी जी के साथ उनकी माता का नाम भी तो अमर है सही बात है सही बात है। इसलिए सभी माताएं मेरे लिए उतनी ही वंदनीय है दर्शकों और आपके लिए भी होंगी सही है सही माता में मैंने स्त्री के सभी रूपों को लिया है माँ बहन पत्नी बहन स्वामी ने जो भी है, इसलिए सभी माताएं मेरा वंदन स्वीकार करें और क्या? दर्शकों में आपका भी आभार करती हूं। क्या बात है सीता जी आपने इतनी बढ़िया बातें बताई और वो आपकी बातें आपकी आपके शब्दों की माता हमारे मन को छू गई आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना माँ के बारे में सीता गुप्ता जी की कविता वंदे मातरम कवि सीता गुप्ता जी की कविता हमने सुनी वंदे मातरम देखिए माँ एक शक्ति है जो अपने बलबूते पर एक समाज का निर्माण कर सकती है तो माँ को मेरा सलाम प्रणाम वंदन इस तरह बने रही है हमारे साथ नमस्कार